में नहीं आ रहा था राइट। सर दो एक हफ्ता में जो हुआ था शायद 6 जुलाई, 6 जून से 13 जून के बीच में जो 2 क्लास होता अच्छा था चलो दो। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है पढ़ना रिलेशंस एंड, इसमें फर्स्ट जो पढ़ना रहेगा वो बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर इसमें फंक्शन का कोई जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं इंडिपेंडेंट है कॉन्सेप्ट उससे, कहीं कहीं यूज, क्या इंडिपेंडेंट है ना सर उससे। हाँ इंडिपेंडेंट है, बहुत यूज भी होगा तो बहुत थोड़ा होगा, कॉन्सेप्ट तो यूज होगा बट थोड़ा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ये फर्स्ट होगा। सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस थोड़ा ही इसमें लास्ट में टॉपिक आता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस, तो ये अभी कवर कर लेंगे है ना। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 12th का पार्ट है तो वो बाद में देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको ITF भी बोला जाता है ना, फंक्शन वहां पे आ जाएगा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ जो चैप्टर आता है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ये तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक में ये पार्ट कवर करना है। तो क्या है कि इसमें अभी ये दोनों मीन्स रेगुलर में ये क्या कर देंगे, कवर कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस कवर हो जाएगा। ये 12th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 12th का पार्ट है, ये दोनों 11th का पार्ट है ना, और ये दोनों 12th का, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये बताओ कि मेरे ख्याल से बेसिक इसमें बहुत सारा पार्ट इसमें कवर कर चुके हैं, कोई बताएगा कहाँ तक? मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज कवर कर दिए हैं। यस और नो एनीवन? आद्या सर आप लास्ट सर साइन 3A, कॉस 3 और टैन 3A तक पढ़ा दिए थे, उसके अच्छा पहले ये मतलब सब सर आप सारा वैल्यूज बता दिए थे। सब ना रीट बैच में पढ़ाए थे, हमको याद है टेंथ अच्छा तो के। हाँ, वो अच्छा sin 5A ये सब का करवा चुका हूँ मेरे ख्याल से, सर sin 5A का साइन थ्री ए एक्सपेंशन सर sin 3A, ओके। तो डिफरेंसिएशन से जस्ट पहले आप ये सब बताए थे। हाँ, तो मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा इसका कवर कर चुके हैं, ये सब बता दिए थे ना। एंगल क्या होता है, रेडियन क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड सिस्टम भी बताया था, एंगल सिस्टम उसमें रेडियन सिस्टम बताया था, डिग्री बताया था, क्या? ग्रेड के बारे में नहीं बताए थे सर। अच्छा ग्रेड का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है, रेडियन और डिग्री बताया हूं ना एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस सर बताया। हाँ वो बता दिया हूँ। देन फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में। सर एक बार रिवाइज करा दे रहे तो ठीक रहता। अच्छा तो क्या स्टार्टिंग से रेशियोज एंड आइडेंटिटीज है ना, इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यही में आ जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज।
और इसी में बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड क्या हो जाएगा आइडेंटिटीज आ जाएंगे इसमें, सेम चीज है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में दो टर्म से बना हुआ है, इसमें क्या होता है प्लस ये मेट्रॉन होता है ना, इसमें क्या होता है इसका मीनिंग जो होता है वो ग्रीक लैंग्वेज होता है ट्रिग्नोनम, इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं, और ये क्या होता है मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रॉन तो वही आ जाता है ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट किस सेंस में देखेंगे जी? हेलो, हेलो, आ रहा है सर आवाज? आ रहा ना आवाज? अच्छा, तो इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड उसके साइड्स और एंगल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये मेजरमेंट हो गया, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट हो वो इसमें स्टडी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। तो इसमें बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स, इसको इस ट्रायंगल इस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड sides of triangles। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसके बाद अगर एंगल देखेंगे तो क्या होता है जी, क्या बताया था इसका डेफिनेशन? मेजर ऑफ रोटेशन। हाँ, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा? रोटेशन। मेजरमेंट ऑफ सर एंगल को एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेज नहीं बोल सकते हैं क्या? सर एंगल को एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेज नहीं बोल सकते हैं? नहीं नहीं, एरिया इसमें होता नहीं ना है, ये रोटेशन देखते हैं, एरिया इसमें नहीं बोल सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन में सेंस होता है ना, टू टाइप्स के सेंस होते हैं इसमें। देखो इनिशियल ये होता है इनिशियल रे, अगर इस तरह से इसको रोटेट किए है ना एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये क्या हो जाएगा अगर ये थीटा देते हैं तो एंगल हम लोग जो यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो क्या हो जाएगा प्लस थीटा बोल सकते हो। इसी में अगर मेजरमेंट क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल रे जा रहा है ना, इस तरह से मेजरमेंट देखेंगे ये थीटा से किया गया है, तो यहाँ जो एंगल लेंगे वो क्या हो जाएगा माइनस थीटा, क्यों? क्लॉकवाइज सेंस है। क्लॉकवाइज में जाएगा तो निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको टर्मिनल बोल सकते हो, टर्मिनल ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रोटेशन दो तरह से हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेंगे। ये एरो दिया हुआ रहेगा, वो सेंस वो डायरेक्शन कौन सा दिखाएगा वो एरो जिस तरह से दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत किसी को? अब जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंगल्स जो होता था, सेक्साजेसिमल सिस्टम,
सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में किस में करते थे? रेडियन में। और सेक्सागेसिमल सिस्टम में किस में करते थे? इन टर्म्स ऑफ डिग्री में। तो वो एक देख लेना जैसे होता है, थ्री एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है वो थ्री टाइप्स से करते हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ, हालांकि ये सब बता चुके हैं, बताना जरूरी है क्या? थ्री सिस्टम है, सेंटीसिमल सिस्टम, थर्ड सर्कुलर सिस्टम। देखो इसमें जो होता है ये डिग्री में रिप्रेजेंटेड बाय जैसे डिग्री इस तरह से ना, यहाँ पे जैसे एक्स डिग्री। आई बात समझ में? सेंटीसिमल सिस्टम में क्या होता है, इसमें ग्रेड और इसमें रेडियन, यूनिट होता है जो, ये बेसिकली क्या है, यूनिट है, यूनिट है और ये भी यूनिट है। आई बात समझ में? जैसे इसमें दिया गया एक्स रेडियन भी लिख सकते हो, आर ए डी, शॉर्ट फॉर्म इसको यूज किया जाता है, आर ए डी। और क्या लिख सकते हो, एक्स और यहाँ पे सी, इसका मीनिंग भी क्या होगा, रेडियन होगा। आई बात समझ में? हेलो, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर, नो सर। और सर, ग्रेड में लिखा हुआ है इनिशियल रे और टर्मिनल रे वाला पॉइंट फिर से बता सकते हैं? हाँ, ये क्या होगा कि एक को फिक्स रखा जाता है, तभी तो देखेंगे इसको फिक्स रखें। अब इसी रे को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, है ना। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फाइनल रे हो गया, इसी के बीच का देखना है कि कितना एंगल से रोटेट हुआ, तो ये फाइनल रे हो गया, उसी को टर्मिनल रे, वहां पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो उसको बोल देंगे टर्मिनल रे। अब उसके बीच का देखेंगे कि कितना एंगल रोटेट हुआ है, वो रे है जो कितने एंगल से, यहाँ पे ये फिक्स रखना है, ये वाले ये फिक्स्ड रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, फिक्स्ड पॉइंट। इसी के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, यहाँ भी ये फिक्स्ड पॉइंट होगा। आई बात समझ में? उसी के अबाउट क्या देख रहे हैं, रोटेशन देख रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, क्लियर हो गया ना उसमें? हाँ सर। ओके, हालांकि इसको टर्मिनल रे की जगह पे टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं, इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं, बट इनिशियल रे बोलना ज्यादा सही है। तो थ्री सिस्टम होता है, इसमें ग्रेड, जैसे एक्स ग्रेड हो गया एग्जांपल, यहाँ पे बोल सकते हो 100 ग्रेड हो गया, 50 ग्रेड हो गया, इस तरह से डिनोट करते हैं। डिग्री में 45 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब एग्जांपल बताते हैं। ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पे देखो रेडियन, 2 रेडियन, 10 रेडियन, 5 रेडियन, ये सब क्या है, एग्जांपल बता दो। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से 2 ऐसे भी मिल जाएगा, है ना, 2 रेडियन, बट इन जनरल ये वाले यूज किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसका देखते हैं कन्वर्ट करने का एक बार। नोट्स यूज किए होगे ना, वहां पे बनाए होगे ना जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, तो ये सब देख सकता था फिर भी। चलो अब देखो, ये इसमें याद रखने वाला क्या है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, है ना। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन डिग्री इज इक्वल टू 60, यहां पे इस तरह से लिखा जाता है, ये क्या है, 60 मिनट। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, यहाँ पे सेकंड, 60
seconds. Okay, clear hai? Hello, कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि अगर वन मिनट देखना है, वन मिनट अगर देख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई 60 डिग्री. ये सुनो, वन सेकेंड इज इक्वल टू वन बाई 36 डिग्री. क्लियर है? जस्ट रिवर्स में जा रहे हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू क्या है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. सो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखें 1 बाई 60 डिग्री. कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हेलो, चेंज करने आ जाएगा डिग्री से मिनट्स में और मिनट से डिग्री में? यस और नो? हेलो, क्लियर है? यस सर. हाँ सर. अब ध्यान देना, इसके बाद वन राइट एंगल ग्रेड सिस्टम में जो लिया जाता है वो 100 ग्रेड होता है, है ना? ग्रेड को थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे इस लाइन से, यहां पे लिखेंगे, है ना, जस्ट यहाँ पे 100 ग्रेड. कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां से अगर देखोगे, इसमें भी वही होता है कि यहाँ पे 60 में चलता है, यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 में चलता है, 100 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड. यहां भी सेकेंड, मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो है वो 100 मिनट लिखा हुआ है. मिनट्स भी बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 100 सेकेंड्स, या सेकेंड भी बोल सकते हो, ठीक है? तो उस रिवर्स में भी जाओगे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा. सॉरी, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 10,000 क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा. क्लियर है ना? जो कि ग्रेड वाले ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है? हेलो, ये ज्यादा यूज किया नहीं जाता है ना? ज्यादा तुमको यूज होगा वो डिग्री एंड रेडियन. अब रेडियन में वन राइट एंगल इज इक्वल टू, याद रखना, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड. वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड. यहां से एक दूसरे में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. अब रेडियन, रेडियन में बताओ इसका डिफिनेशन क्या होता है. बोलो सर. आर्क का लेंथ और सर्कल का रेडियस का लेंथ, रेडियन डिवाइडेड बाय. एग्जैक्टली, इसमें क्या होगा कि जैसे एक ये सर्कल हो गया, बस ऐसे ही समझ लेंगे कि क्या होता है. इस वक्त सेंटर यहाँ पे हुआ है ना, 1 यूनिट का है, देखो अगर ये 1 रेडियन लिखते हैं, 1 रेडियन, तो क्या हो जाएगा, ये आर है और ये एल है, तो यहाँ पे एल वाई जो आर होगा, तो 1 रेडियन के केस में क्या होगा, एल इज इक्वल टू आर चाहिए. अगर 1 यूनिट लेते हैं, ये 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट मीटर में ले लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर, ये 1 यूनिट, ठीक है? दोनों सेम, एल और आर दोनों इक्वल होगा, तो जो एंगल यहाँ पे सब्सटेंड करेगा, ये आर्क है जो यहाँ पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा. डिफिनेशन में इसी तरह से लिखा जाता है ना? तो जो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जो यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल वाई आर, वो यहाँ पे डिग्री नहीं देता है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आर्क लेंथ होता है,
और ये जो वैल्यू आता है ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है, और ये एंगल का वैल्यू होता है किसमें, इन रेडियन में। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऑलवेज एल वाई आर वो जो वैल्यू देगा वो हमेशा रेडियन में देगा। और इसका देखो ऐसे मीटर बाई मीटर ऐसा नहीं है कि एक का मीटर लेना एक का सेंटीमीटर लो, तो वहां पे थीटा आएगा ही नहीं, यूनिटलेस आना चाहिए। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ऐसे देखोगे तो ये डायमेंशनलेस है, मीटर बाई मीटर, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, मिलीमीटर बाई मिलीमीटर, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जैसे ये क्या हो गया 180 डिग्री, यस और नो, 180 डिग्री इज इक्वल टू, इसी को बोला जाता है पाई रेडियन। समझ में आया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ध्यान, पाई एंगल रोटेट किए 180 से, ये होता है ना। ऐसे रिलेट कर सकते हो कि देखो ये जो होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये रेडियन हो जाता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, यहीं से आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहां पे ये इसका वैल्यू डायरेक्टली ऐसा नहीं लेना है 22/7 रेडियन, ये गलत हो जाएगा, है ना, पाई रेडियन है। अब ध्यान देना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तो यहां से क्या करेंगे कि 1 रेडियन अगर देखेंगे तो 180 बाई क्या हो जाएगा, पाई डिग्री। अब यहां पे ले सकते हो ये पाई इज इक्वल टू 22/7, अब यहां पे वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है पाई का, है ना, यहां पे वो नहीं कर सकते हो कि 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन अगर यहां पे फाइंड करोगे तो कितना आता है जी अप्रोक्सीमेटली, किसी को याद है, 57 डिग्री, 57.27 के अराउंड आता है। अच्छा 16 मिनट 22 सेकंड, है ना, याद रखना। हाँ इतना याद रखने का चीज नहीं है, वो तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, और अगर डिग्री में देखना तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट कितना आता है, डिवाइड दो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे 57.27, अच्छा 27, उसके आगे 3 डिजिट में बताओ, सर वो चल ही जा रहा है, चलते रहेगा 2727। अच्छा ओके 272, ठीक है, इतना हो गया। ये क्या हो गया डिग्री में, है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.272, ये क्या हो गया डिग्री। अब इसी को क्या करना है कि मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है, है ना, ये आना चाहिए रफली कितना आना चाहिए, अभी बताएं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो अब क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं ना 57 डिग्री प्लस 0.272, क्या हो जाएगा जी, ये भी डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो कोई दिक्कत किसी को, यस और नो? नो सर। अब देखो क्या लिखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, मिनट में रिड्यूस कर रहे हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पे 0.272 है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 60 इंटू 0.272 रफली कितना आ जाएगा सर, 16.3 के अराउंड कुछ आएगा। अच्छा 16.32, तो देखो इतना क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा, यस और नो,
तो 16 मिनट प्लस क्या लिख सकते हो, 0.3 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वो बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। अब देखो इसको लिखने का, अब इस वाले पार्ट को क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। 0.3 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3 × 60। तो ये रफली कितना आ जाएगा, 1.8 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 22 मिनट्स। ओके 16 मिनट तक तो ठीक है। अच्छा 7 लोग है ना, तो वो आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे कन्वर्ट करते हैं वो, सबको समझ में आया। अगर 0.272 ले रहे हो, 7 अगर लोगे तो रफली उतना आ जाएगा। इट मींस 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या सर, 18 आएगा ना, 18 आएगा सर। अच्छा यहाँ पे 18 आया ना, अच्छा 60 है ना, ओके तो 18, जब 7 लोगे ना तो रफली उतना आ जाएगा, ये 18 हो गया। अब लिख सकते हो 57 डिग्री 16 मिनट और क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड। तो जब 7 लोगे 4 डिजिट तक तो 22 सेकेंड तक, वो याद नहीं रखना है ना, ये याद रखना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री होता है, वो याद रखना पड़ेगा। रफली ये क्या करना है, इसको याद रखना है ये वाले डेटा को, ठीक है, क्योंकि यूज होगा बहुत सारे जगह पे। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो अगर तुमको यहां से किस में जाना है, 57.272 ठीक है डिग्री तक, तो क्या करोगे, अगर यहां से यहां जाना है, ये तो बता दिया ना, एक तक कन्वर्जन बता दिया हूं कि कैसे 57.272 डिग्री से हम लोग मिनट एंड सेकंड के साथ जा रहे हैं। अब यहां से तुमको अगर क्या करना है कि डिग्री में जाना है, तो पहले क्या करोगे, 18 क्या है, 18 सेकंड्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको मिनट में पहले कन्वर्ट करो, तो कितना होता है ये, एक मिनट हाँ ये लिख सकते हो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। तो यहाँ पे 18 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 × क्या हो जाएगा, 18, तो ये मिनट में चला जाएगा, कितना हुआ बोलो, ये 9, ये 30, डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 10, इट मीन 0.3 आ रहा है। तो 0.3 तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 मिनट प्लस 0.3 मिनट इज इक्वल टू 16 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, ये मिनट हो जाएगा। अब ना वो 6 यहाँ पे लिखोगे कि 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, तो 16.3 मिनट इज इक्वल टू अगर लिखोगे तो 1/60 × 16 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3। अब इसको देख लो डिवाइड करके कितना आ रहा है, डिग्री में चला जाएगा 0.271। ओके 0.271, अब लिख सकते हो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर लिए तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.271 डिग्री, तो ये आना चाहिए कन्वर्जन। एक मिनट सॉरी, समझ में आया। तो एक एग्जांपल बता दिया हूं, इसे सीख लेना है कि क्या होगा, बहुत सिंपल चीज है, आ जाएगा ना, इसे कन्वर्जन हो जाएगा ना एक दूसरे में। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको ब्रेक करके मिनट एंड सेकंड में ले जा सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ डिग्री में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा हिमांगी? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना, एक ध्यान में रखना कि क्या करते हैं, सबसे डिग्री हम लोग अगर यहाँ पे जाना है, डिग्री से जाना है मिनट सेकंड में, तो जो पॉइंट वाला है ये जो इंटीजर रहेगा उसको अलग कर लेना, डेसिमल में रहेगा उसको पहले क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद जो
इंटीजर इंटीजर वाले आएंगे उसको सेपरेट कर लेना है, जो डेसिमल में रहेगा उसको फिर से किस में लेकर के चले जाना है, सेकंड्स में ले जाना है, और सेकंड्स में पॉइंट के बाद आएगा उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके डिग्री से तुमको लाना है, हाँ डिग्री मिनट सेकंड से तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड वाले को पहले मिनट में करेंगे कन्वर्ट, फिर मिनट वाले को डिग्री में करेंगे कन्वर्ट, फिर ऐड कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो ये ध्यान रखना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, पाई बाई टू अगर रेडियन देखेंगे तो ये 90 डिग्री, ये सब तो आता ही है। तो कन्वर्जन के लिए अगर देखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। तो अगर रेडियन से रेडियन 2 डिग्री जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वन एटी बाई पाई, समझ में आया, जैसे पाई बाई 4 ये रेडियन है, अब इसको क्या करना है डिग्री में बताना है कि क्या होगा, तो क्या बताएं कि जस्ट क्या करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेडियन से, तो ये ध्यान रखना कि पाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा, रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो 180 बाई पाई होगा, और डिग्री टू रेडियन जाएंगे तो पाई बाई 180 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यहाँ पे देखो पाई बाई 4 इंटू क्या कर देंगे 180 बाई पाई कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा जी 45 डिग्री, यस और नो, समझ में आया, यस सर, वो यूनिटरी मेथड होता है वही है, यहाँ पे वो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। अब देखो डिग्री टू रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पे जो आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 180, एक मिनट सॉरी, पाई वाई क्या होगा 180, पाई बाई 180 ये होगा, एग्जांपल में देख सकते हो डिग्री टू रेडियन सपोज 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना तो 45 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 180, किसमें रेडियन में ले जाना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन, समझ में आया, तो ये सब तो कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, वो डिपेंड करेगा किस तरह से यूज किया, सपोज इसका वैल्यू पूछेगा कि साइन 2 रेडियन, सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है, इट मींस क्या होगा कि साइन 2 रेडियन है, तो इसका वैल्यू अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, सिर्फ इतना देखना है, तो बताओ क्या होगा, साइन 2 लिखा हुआ रहेगा तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कॉस 2, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका आउटपुट या निगेटिव होगा, बस ये बताना है, टैन 3 इसका पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, बोलो याद नहीं है कुछ, ये बताए थे सर कास्ट रूल से, क्या सर कास्ट रूल जो था क्वेश्चन सॉल्व होगा, सॉल्व नहीं बताना है, आउटपुट सिर्फ बताना है कि वो मींस आउटपुट पॉजिटिव में देगा या नेगेटिव में देगा, बस वो बताना है, क्या वैल्यू आएगा उससे मतलब नहीं है। अच्छा ये तो बताए थे ना पहले का पॉजिटिव, अच्छा पहले का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, पक्का, ठीक है, देखो रफली अगर इसका देखोगे 3 तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 57 डिग्री, 57 मान के चल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा लेस देन 180 डिग्री, तो ये सेकेंड क्वाड में है,
है ना, एंगल ये क्या है सेकेंड क्वाड, ये सुनो, तो सेकेंड क्वाड यहाँ पे टैन थीटा क्या होता है जी, सेकेंड क्वाड में इसमें ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है टैन थीटा एंड इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें सेक थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ये सुनो थीटा का मीनिंग क्या होगा कि इसके बीच में ये देखो उसका लिखा हुआ है ये 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री का ये होता है ना, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 और इसको जीरो सर्कुलर में मूव करता है, जीरो डिग्री 360 720। तो थीटा का यहाँ पे थीटा का मीनिंग क्या होगा, इसके लिए थीटा का मीनिंग जो होगा वो 270 से 360 के बीच का बात कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा का बात कर रहे हैं वो 180 से थीटा 270 के बीच का बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे बात करेंगे वो क्या हो जाएगा थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 टू 180 के बीच में रहना चाहिए डिग्री में, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 टू 90, ये सुनो उसके बीच का बात कर रहे हैं, आई बात समझ में, ये बता चुके हैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे निगेटिव होता है कैसे पॉजिटिव होता है, याद है शुभम, शुभम अंशुल सर याद है ना, अंशुल याद है सर, वो ट्रायंगल बना के बताए थे ना, एक सर्कल बनाना है फिर ट्रायंगल बना करके देखना है कि वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो होता है, हाँ सर बताया ना, तो ये ध्यान में रखना कि साइन कोसेक जो होता है सेकेंड क्वाड में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड में टैन एंड कॉट होता है और फोर्थ क्वाड में कॉस एंड सेक होता है, कॉस करोगे उसका रेसिप्रोकल एस टी सी है ना एस टी सी, तो यहाँ पे देखोगे साइन आ जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक आ जाता है तो वो पॉजिटिव होगा, टैन हो गया टी फोर टैन आ जाएगा तो टैन एंड कॉट टी फोर क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस के साथ सेक हो जाएगा रेसिप्रोकल, फर्स्ट क्वाड में जो होता है वो क्या होगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड में 0 टू 90 डिग्री के लिए पॉजिटिव आउटपुट देता है, पॉजिटिव मीन्स क्या पॉजिटिव आउटपुट, आउटपुट क्या देगा पॉजिटिव देगा, और ये बाउंड्री के लिए तो अलग अलग केसेस हैं, जैसे 90 डिग्री पे टैन थीटा डिफाइंड ही नहीं है ना, सेक थीटा डिफाइंड ही, सेक थीटा भी डिफाइंड नहीं ना होगा जी, ये सुनो सेक थीटा डिफाइंड ही नहीं है, जैसे आप कॉट थीटा देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिफाइंड ही नहीं है, कोसेक थीटा भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिफाइंड ही नहीं, तो वो देखेंगे बाद में है ना, तो उसके बारे में नहीं, सिर्फ बाउंड्री वो उसके इन बिटवीन का बता रहा हूँ, उसके बीच में देखना है, क्योंकि वो जब उस लाइन पे जाएंगे तो हो सकता है कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड हो सकते हैं कुछ नहीं भी डिफाइंड है, ठीक है हिमांगी समझ में आया सर, हम अभी आपसे यही पूछने वाले थे कि सर जैसे साइन 180 का तो वैल्यू हम लोग को पता होता है सर, तो सर मतलब ये कैसे बोल सकते हैं कि डिफाइंड नहीं है, साइन नहीं अब कॉट के बारे में सोचो कोसेक के बारे में सोचो, जैसे साइन 180 डिग्री क्या हो गया जीरो हो गया, अगर कोसेक देखेंगे कोसेक 180 डिग्री तो ये क्या लिखते हैं 1/sin 180 degree है ना, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका वैल्यू ही नहीं आएगा, वो देख सकते हैं उसके हेल्प से, तो इसलिए उस पर नहीं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना हिमांगे, नहीं सर, हाँ तो वो कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो डिफाइंड नहीं है, वो देख लेंगे वो तो नॉर्मल चीज है वो पता चल जाएगा ऐसे ही, बट इन बिटवीन का बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव कब होगा निगेटिव कब होगा, क्योंकि जो लाइन पे हो या वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जीरो भी दे सकते हैं अनडिफाइंड भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में नहीं यहाँ पे देख रहे हैं, इन बिटवीन का देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन किसी में नहीं लगाया हूँ, 0 टू 90 ओपन इंटरवल में है, 90 टू 180 ओपन इंटरवल में है, 180 टू 270 ओपन इंटरवल में है, 270 टू 360 ओपन इंटरवल में है, अब देखो ये 3 जो रेडियन आएगा उसका अप्रोक्सीमेट ये जो लेस देन 180 आएगा, इट मीन्स ये सेकेंड क्वाड में जा रहा है टैन का, तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, कॉस 2
2 × 57 रफली ये कितना आ जाएगा 114, रफली 115 भी बोल सकते हो, 114 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड का एंगल है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2, तो ये आ गया रफली 114 डिग्री, तो 114 डिग्री साइन 114 डिग्री, तो उसका जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड में जा रहा है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आउटपुट पॉजिटिव हुआ। रेस्ट दो जो आए दो आए हैं उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट निगेटिव में होगा। क्लियर है? हेलो बोलो मांगी। हाँ सर। ओके अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो तुम लोग को बेसिकली इसमें क्या फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद करोगे तभी तो बताऊंगा आगे। अच्छा ग्राफ भी डिस्कस किए थे ना, एक तो है कि नेक्स्ट क्लास में सारे का ग्राफ देख करके आ जाना, वो याद होना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, साइन एक्स करोगे तो, अगर थीटा लोगे तो थीटा के टर्म्स में होगा, ये y हो जाएगा, x लोगे तो x ये हो जाएगा, उसके टर्म्स में देखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, सारे का क्या देखना है, ग्राफ। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूला भी बताए थे, बताया था? यस सर। तो फॉर्मूला सारा देख करके आना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्योंकि बिना फॉर्मूला, इसमें क्या है कि फॉर्मूला का ही यूज है, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस के बारे में भूल जाओ, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो बनेगा ही नहीं, है ना, बिना फॉर्मूला का। तो जैसे साइन ये बताए थे माइनस थीटा, क्या होगा जी, माइनस साइन थीटा, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसको अगर देखना चाहोगे तो साइन ये क्या है, जीरो माइनस, सॉरी ये जीरो डिग्री, ठीक है, जीरो माइनस थीटा लिखा हुआ है, लिख सकते हो ना। तो ये देखो जीरो माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड में जा रहा है, फोर्थ क्वाड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये भी बताया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, सिर्फ माइनस और प्लस के साथ चेंज होता है, होता है बट माइनस प्लस में चेंज होता है, साइन से कॉस में नहीं होगा, कॉस से साइन में नहीं जाएगा, वो चेंजेस जो होते हैं वो वर्टिकल के अबाउट चेंजेस होते हैं, वर्टिकल लाइन ये हो गया, वर्टिकल लाइन, और ये क्या हो गया, ये वाले जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं बता सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, इसके अबाउट क्या होता है, ओनली साइन चेंज होता है। इसके अबाउट क्या होता है, वर्टिकल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड साइन बोथ चेंज होता है, साइन ये तो चेंज होता ही है, ये मस्ट चेंज होगा, साइन ये मे और मे नॉट चेंज। इसमें ये तो चेंज होता ही है, तो ये ध्यान रखना, और चेंज होता है वो यहां पे लिख दे रहा हूं, साइन अगर रहेगा तो साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, कॉस थीटा में, है ना, साइन कॉस में, साइन थीटा से कॉस थीटा, और कॉस थीटा से साइन थीटा, टैन थीटा से किस में जाएगा जी, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा से साइन थीटा में विथ साइन, सेक थीटा से कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा से सेक थीटा में, समझ में आ रहा है ना। और साइन वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड में जा रहा है वो, जैसे देखो साइन अगर दिया हुआ है 90 प्लस थीटा, हम लोग को थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे उससे हड़बड़ाना नहीं है, है ना, वो 1000 रहे 2000 रहे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके वर्ड चेंज हो रहा है, और थीटा का वैल्यू 1000 भी है तो उसको थीटा मान लो एक मिनट के लिए, तो 90 प्लस, 90 प्लस मींस क्या, सेकंड क्वाड में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड और वर्टिकल के वर्ड चेंज देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस में जाएगा, लेकिन साइन का सेकंड क्वाड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा
अब उसके बाद साइन को कॉस में लिखेंगे, कॉस और ये थीटा हो जाएगा। अब 1000 रहेगा तो यहाँ पे 1000 लिख लेना, 2000 रहेगा 2000, 1000 10 रहा तो 1010 वहां पे लिखा जाएगा, 1200 रहेगा तो 1200 लिखा जाएगा। आ रही है बात समझ में? कॉस 90 प्लस, अगर 120 डिग्री भी लिखते हैं, 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो इसको एक मिनट के लिए थीटा मान लो, है ना। तो अब इसको देखेंगे कॉस 90 प्लस देख रहे हैं सेकेंड क्वाड में, है ना, ये थीटा मान के सेकेंड क्वाड में क्या होता है, कॉस का निगेटिव होता है तो निगेटिव रहते हैं। अब कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन 120 डिग्री। फिर फर्दर देखेंगे कि क्या होगा, फिर इसको ब्रेक कर सकते हो 90 प्लस 30 में। हिमांगी समझ में आ रहा है? शुभम सर ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये सब डिस्कस कर दिए हैं, वो उस टाइम का थोड़ा सा देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में। एटलीस्ट तुम लोग का काम दिया गया है कि सारे फॉर्मूला याद करके नेक्स्ट क्लास में आना है, रैंडमली पूछूंगा, और क्लास किसी को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ याद नहीं हुआ तो क्लास स्किप कर दी है, फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो एक बार सारा देख करके आना फॉर्मूला। इसमें कंपाउंड एंगल के साथ बताए थे, एंगल्स में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे कॉस ए प्लस बी ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस माइनस बी, टैन ए प्लस माइनस बी, ये सब का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेना है। ठीक है, तो एडिशन वाले फॉर्मूला प्लस वाले हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन वाले माइनस वाले हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद ए को रिप्लेस कर दोगे ए प्लस ए, है ना, बी को रिप्लेस करोगे ऐसे, तो साइन टू ए कॉस टू ए टैन टू ए, वहां से फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, वो सब देख करके आना। इसमें कॉट का भी, कॉट ए प्लस माइनस बी, ये भी देख लेना, अगर ये याद इसका याद है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो वो देख करके आना। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सर, कॉट ए प्लस बी नहीं लिखे थे सर, ये बता सकते हैं? तो चेंज करके यहाँ से देख लेना, अब बुकलेट में दिया हुआ है, बुकलेट मिला है ना सर, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं मिला है अभी, ड्राइव में होगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कंपाउंड एंगल्स वाले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसके बाद आप इसमें आप एक आएगा सम एंड डिफरेंस वाले देखोगे, फिर आएगा प्रोडक्ट वाले, इस सम एंड डिफरेंस, ये प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ये दो तरीके से आएंगे। ठीक है, इसमें मल्टीपल एंगल्स वाले, सब मल्टीपल एंगल्स, ये सब फॉर्मूला देख करके आना है। फिर इसके बाद साइन टू ए कॉस टू ए टैन टू ए, ये तो इसी में आएगा मल्टीपल वाले में। ठीक है, साइन थ्री ए कॉस थ्री ए टैन थ्री ए कॉस थ्री ए साइन थ्री ए, सर अभी इन तीनों का प्रूविंग नहीं ना याद करना है? नहीं नहीं प्रूविंग नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए, टाइम थ्री है ना। उसके बाद और क्या करोगे, फिर ये सब देख लेना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका क्या होता है ये सब बताया हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। ओके, अब कॉस टू ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया हुआ होगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन टू ए का फॉर्मूला है वो तो लिख दिया हूँ।
ये वाले भी ध्यान में रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद साइन 5a का डिटेक्ट करके कॉस 5a का, है ना, ये सब होमवर्क में है। इसी से क्या करना है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू इसको याद रखना है, ये सब। इससे कॉस 18 डिग्री आ जाएगा, साइन 36 डिग्री, मेन इम्पोर्टेंट ये है ना, ये सब तो डिराइव कर सकते हो विद इन द मिनट्स अगर एक याद रहेगा तो, ठीक है। इतना कंप्लीट करके आना, साइन 18 डिग्री, फिर सब मल्टीपल एंगल्स में जैसे आएगा ये साइन ए रहा, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, साइन 2 इंटू ए बाई टू, ये हो जाएगा 2 कॉस साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, इस तरह से इसको सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। मल्टीपल में क्या होगा कि 2a से साइन ए इंटू कॉस ए में जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए में जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला एक बार देख करके आना, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट वो तो फंक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है। इतना फॉर्मूला और ग्राफ सबका हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। कब है नेक्स्ट क्लास, क्योंकि पढ़ा चुके हैं इसलिए इसको बताने का फिर से ये भी करवाया हूं शायद, कॉट 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक बार ये देख करके आना, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉट ए को यूज करना है, तो कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो जी, कॉस आना चाहिए, राइट, कॉस, तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, देखो तो आ जाएगा, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देख करके और ये देखना, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आना क्या होता है जो, ठीक है। आंसर रूट 6 प्लस रूट 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, हालांकि इसको कभी कभी 2 दे सकता है, बट इस ऑर्डर में लिखा हुआ रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6 ना, ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू होगा, और यहाँ पे 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, तो कॉट में चला जाएगा। यहाँ से टैन ए बाई टू का वैल्यू लिख सकते हो, साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और जो रहेगा वो आप बाद में बताऊंगा, इतना होमवर्क रहेगा, हो जाएगा। हेलो, कुछ बताया नहीं हूं इसलिए कि ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब नो और बोलो। हाँ सर कर लेंगे, हो जाएगा ना अध्या सर, अध्या हाँ सर, हाँ जो कंप्लीट नहीं होगा, जो दिक्कत होगा उसमें टाइम ज्यादा किल नहीं करना है, वो मार्क कर लेना और पूछ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ उसको समझने में लगे हुए हैं, ग्राफ हो या कुछ भी हो। स्मृति मिश्रा हो जाएगा स्वयं, यस सर, यस सर, ओके। लक्ष्य पढ़े हो ना, लक्ष्य यस सर, तो इतना कंप्लीट करके आना। रिद्धिमा हाँ सर, हाँ तो कंप्लीट करके आना है, उतना नहीं होगा तो ज्यादा टाइम किल नहीं करना है, मैं बता दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली पढ़ा, सबको पढ़ाया था ना इस बैच में सर, हाँ सर, फंक्शन का असाइनमेंट थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो मिल जाएगा आज, मैं देखता हूँ कल, कोशिश करता हूँ कल मिल जाए सर। और जो टॉपिक्स छूटे हुए थे उसका क्या करेंगे, किसमें, फंक्शन, अच्छा रेंज का, हाँ इस वीक में पढ़ा दूंगा, कल, कल मॉर्निंग में, कल, हाँ कल पढ़ लेना, ठीक है, टाइम दे दूंगा सुबह में कभी भी, एक बार
सर स्कूल चल रहा है अभी तो। अच्छा कितने बजे टाइम मिलता है तो? कल सर 12 बजे के बाद। अच्छा ठीक है, तो 1 बजे एक ही क्लास है कल मेरा, तो क्लास ले लूंगा। यस सर। ओके तो 1 बजे रेंज फंक्शन का पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब काम सबको पढ़ाए थे ना, ये सब लोग था उस टाइम इस बैच में सर? हम लोग को तो आप इतना नहीं पढ़ाए थे। अच्छा इतना नहीं पढ़ाए थे, फॉर्मूला तो सारा पढ़ा दिया हूँ साइंस। यस सर, वो मैथमेटिकल टूल्स के स्टार्टिंग में खाली फॉर्मूला हुआ था। ये डिफिनेशन नहीं बताया था ग्रेड रेडियन? नहीं सर, ये सब नहीं हुआ था। अच्छा। आप जब फंक्शंस में ग्राफ बता रहे थे तब थोड़ा सा रेडियन और डिग्री का डिस्कस किए थे। अच्छा एक बार बुकलेट डाउनलोड करना, सिर्फ तुम लोग को फॉर्मूला याद, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से डिराइव किए हैं तुम लोग। हिमांगे कुछ याद है? डिराइव किए हैं मेरे ख्याल से फॉर्मूलास वगैरह बता रहे हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? वही साइन ए प्लस बी, जैसे ये तीन जो था ना सर, साइन थ्री ए कॉस थ्री और टेन थ्री। आप तो वहां तक बताए ना डिराइव करके। हाँ सर, ये हाँ, सर ये सब आप बताए थे सर, साइन टू ए प्लस ए मतलब ऐसे ही तोड़ने पे। हाँ, और सर साइन सी प्लस डी आप पूरा डिराइव करके बताए थे। वही सारे फॉर्मूला रिलेट करके बताया था ना कि कैसे याद करना है वो। हाँ सर, आप इक्वेशन दे दे के सारा मतलब उन्हीं से सॉल्व कर रहे थे। वही बता चुका हूँ, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए तुम लोग से, अगर नहीं होगा तो फिर मैं वो वन बाई वन थोड़ा जल्दी में करेंगे, एक बार देख करके आना है ना। जहाँ तक पहले बता दिया हूँ थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, उसके बाद स्लो, नहीं तो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर सारा चीज पढ़ा दूंगा, एक बार बोल देना। ज़्यादा टाइम किल नहीं करना है, नहीं समझ में आने लगे तो छोड़ देना है, नेक्स्ट क्लास में वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। ग्राफ देख लेना, एक बार रीड करके आओगे ना सब तो थोड़ा समझने में तुम लोग को ही क्या होगा, आसानी होगा, इजिली समझ जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये सब चीज़ें डिस्कस कर दी हैं इसीलिए रिपीट सोच रहा हूँ कि समझ जाओ अपने से, अगर नहीं होगा तो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो होमवर्क यही रहेगा, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक ना। चलो तो, yes, sir. Sir, ये इसका PDF प्लीज भेज। ओके ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो बाय बाय। थैंक यू सर। ओके सर, आज ही भेज दीजिएगा PDF ताकि मैच कर करके पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है, अभी भेज रहा हूँ।